इस वक्त मैं आ चुका हूँ हवेली रेस्टोरेंट में। मुझे इस वक्त मेरे पाक पतन की याद आ गई। मैं हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता हूँ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी नदीम अशरफ। आज मैं जा रहा हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, वहाँ आज ओपनिंग सेरेमनी है, तो उसके लिए अभी हम निकलते हैं यहाँ से। आपको चलकर दिखाएंगे क्या क्या परफॉर्मेंसेज होती है वहाँ। कलाकारों की एक अलग सी दुनिया है वहाँ बसती है, तो चलकर दिखाते हैं आपको। एक बार फिर से तारीख गवाह है और एक बार फिर से हमें जल्दी है, लेकिन ये इशारे हमें एक बार फिर से ताखीर करवा रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और आर्ट गैलरी में हो रहा है इस वक्त NCA का ओरिएंटेशन है। अभी अंदर चल के देखते हैं। जी तो गाइस, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हुई और अभी ख़त्म शुद्ध। अब हम चलते हैं जी हवेली पे कुछ खाने के लिए। अब वहाँ चलते हैं और वहाँ चलकर आपको कुछ माहौल दिखाते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। जी तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर फूड स्ट्रीट। यहाँ आप ये सामने देखेंगे हवेली रेस्टोरेंट, जो कि बेहद फेमस है। और मेरे साथ मौजूद हैं जी आसिम भाई। आसिम भाई कैसे हैं? आसिम भाई हमारे साथ आए हैं, आज हम घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, क्योंकि वीकेंड है हमारा। अभी हम मौजूद हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के इवेंट था वहाँ, और इसके साथ अब हम आए हैं हवेली रेस्टोरेंट में।
मुझे इस वक्त मेरे पाक पतन की याद आ गई कि बाबा के शहर में कवाली की नाइट हुआ करती थी। मैं आपको चलकर दिखाता हूँ। इस वक्त मैं आ चुका हूँ हवेली रेस्टोरेंट में और अब हम चलते हैं ऊपर। जबरदस्त सिलेक्शन है। इस वक्त हम मौजूद हैं हवेली रेस्टोरेंट की टॉप पे और सामने हमारे बिल्कुल बादशाही मस्जिद। गुड मॉर्निंग गाइस। रात को घूमने फिरने के बाद कुछ लेट पहुंचे थे, तकरीबन हमें 12 बज गए थे। वो अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो बाहर निकलने लगा तो काफी ठंड थी। मैं अभी अंदर रूम में ही हूँ। एनसीए की ओपनिंग सेरेमनी का जो दूसरा मरहला है वो नेक्स्ट फ्राइडे को है। कुछ अहबाब जो एनसीए में पढ़ते हैं उन्होंने इन्वाइट कर रखा है ऑलरेडी। हो सका तो जरूर जाएंगे हम। मैं हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता हूँ क्योंकि ट्रेवलिंग और बुक रीडिंग दोनों मेरी हॉबीज है। मुझे ट्रेवलिंग इसलिए पसंद है क्योंकि नई नई चीजें एक्सप्लोर होती है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बुक रीडिंग यकीनन आपको सीखने को मिलता है। वो इन दोनों चीजों से मुझे बहुत मोहब्बत है और मैं सीखता रहता हूँ आई रोज। इसके अलावा नए नए लोगों से मिलना और उनसे बातचीत करना, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप बहुत कुछ सीखते हो, अगले बंदे की नेचर कैसी है और आपने कुछ उसको किस तरह डील करना, ये चीजें आप सीखते हो उससे। और इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग को इख्तिताम पजीर करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इसके अलावा आपके कोई सजेशन है या आपकी कोई राय है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी DM करिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान नदीम अशरफ को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।